तो गाइस आज हम हैं कर्नाटका में और कर्नाटक की जो सबसे हिस्टोरिकल सिटी है बीजापुर, हम लोग वही है। और बीजापुर सुनने के बाद जो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो वहाँ भी जाने वाले। लेकिन अब फिलहाल हम हैं यहाँ पर इब्राहिम रोज़ा में, जो कि मैं पहली बार आया हूँ। गोल घूमट को मैं पहले 7-8 बार जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। अब सबसे पहले थोड़े सिनेमैटिक व्यूज एंजॉय करो और उसके बाद हम मिलते हैं। सही जगह यार, और बहुत मतलब देखने लायक है। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, आमने सामने इधर एक है और इधर एक है, और बाकी पूरा गार्डन है यहाँ पर पूरा बैठने के लिए। इसका शायद से मैं दो पार्ट में अपलोड करूँगा, मुझे भी नहीं पता। अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो मैं इसके दो पार्ट बनाऊँगा या फिर एक ही पार्ट। गाइस काफ़ी बड़ी जगह है यार, यहाँ पर देख सकते हो। अंदर जाते हैं और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ सिस्टम है, हम चप्पल नहीं लेकर जा सकते अंदर, तो हमें हमारे चप्पल जो यहाँ पर रखने पड़ेंगे। सॉक्स है पाँव में इसलिए ठीक है भाई, वरना पैर तो पूरे ही जल जाएंगे। यहाँ पर गर्मी बहुत है। ये अंदर का नज़ारा सेम यही, और उसके सामने भी सेम यही है भाई, बहुत सही है यार देखने के लिए। और ये जगह इतनी फेमस है ना, यहाँ पर फॉरेनर्स भी है, आप देख सकते हो वहाँ पर। और ये हमारे सोच से काफ़ी बड़े है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये मेरा भाई छोटा, हम पूरे फैमिली के साथ आए। ये बारी हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, बस फैमिली और मैं। कुछ ज़्यादा मस्ती नहीं होगी, एकदम फैमिली फ्रेंडली व्लॉग होगा ये वाला। सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद आवर फ्रेंड्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू। तो गाइस जो फॉरेनर थे वो थे फ्रांस से, और यहाँ पर इंडिया पर उनकी जो तीसरी ट्रिप थी, एक्चुअली वो 3 बार आ चुके हैं और उनके साथ अच्छी बातचीत हुई हमारी। और ये जो मॉन्यूमेंट्स है ना, हमारे सोच से काफ़ी बड़े हैं, मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखो जो नीचे दिख रहे हैं वो इंसान, और वो देखो कितना बड़ा मॉन्यूमेंट है ये वाला। तो सेम ऐसे ये आमने सामने दो है एक्चुअली। ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ का जो किंग था इब्राहिम रोज़ा, जिसको बोलते हैं, जिसने इसको बनाया था, जो उनके मरने के बाद उनको जो हमारे मुस्लिम में दफन करते हैं, उन्हीं को यही किया गया था उनके बीवी के साथ। और उनका बीवी का नाम कुछ सुल्तान है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डाल दूँगा, आप इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ सकते हो। और ये देख रहे हो, मतलब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ अब नीचे, ये जो है छोटे छोटे, मतलब ये पूरे जेल थे उस ज़माने के, जो कैदियों को रखते थे वो इस जेल में रखते थे। और यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दरवाजे से जो हाथी था वो यहाँ पर नीचे जाता था। ये एक्चुअली बहुत नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना नीचे है यहाँ। और हाथी को नीचे लेकर जाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा है उसके लिए खास। ये देख, खास हाथी के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से जो हाथी नीचे जाता था, और वो पूरे हैं यहाँ पर जो जेल बना रखे कैदियों के लिए खास करके। मैं नीचे जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अब हम जो यहाँ पर मैं ब्लॉग बना रहा था वो एग्जैक्टली इधर का मकबरा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट और एक मकबरा है जिसके अंदर हम अब जाने वाले हैं। और गाइस ये जो है ये एक पजल जैसा है, लेकिन इसे कहते हैं कि ये कभी सॉल्व नहीं होता, कुछ सोच समझ कर ही बनाया होता है। सॉल्व हुआ, निकलेगा बाहर। और ये पजल एग्जैक्टली इसके दरवाजे पर ही बनाया है, मतलब ये देख सकते हैं बच्ची जो कर रही है, एग्जैक्टली उसके दरवाजे की डिज़ाइन के हिसाब से उसे डिज़ाइन किया गया है। और ये है उसके अंदर का नज़ारा पूरा,
यहाँ पर आप देख सकते हो जो दफन किया गया है शायद से यही है, मतलब पूरा आप देख सकते हो अंदर, तो यही है उन सब की कब्र, पूरे कब्र है। और यहाँ से जाने के बाद ये जो दरवाज़ा, इसके हम बाहर निकल जाते हैं पीछे के दरवाजे से, जाते हैं भाई थोड़ा जेल वेल देख कर आते हैं, कैदी को किस तरह रखते थे। यहाँ पर तो ऊपर जाने के लिए थोड़ी जगह है, हम जाते ऊपर देखते हैं कैसा क्या है सब। और यहाँ पर भाई ये जो दिख रहा है ना बहुत हाइट पर है, रे बाप डर काफी खतरनाक लग रहा है, बहुत हाइट पर खड़ा हूँ यहाँ पर, ये पकड़ में नीचे आता। अरे बाबा यहाँ पर ऊपर जाने के बाद मैंने और एक चीज़ नोटिस की, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे भी कब्र है भाई, चार कब्र है यहाँ पर, मतलब कब्रस्तानी लग रहा है ये पूरा। यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है और नीचे जाने के बाद हम वहाँ से जाकर सीधा जेल के पास जाएंगे, तो नीचे जाकर देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ वहाँ के पूरे पुराने जेल और सब कुछ। चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है गाइस, पूरा मतलब ओपन ही है, गिर रहा पड़ो कुछ भी हो गया, सब कुछ खुला है, बस नीचे और यहाँ से और एक जगह ऊपर जाने के लिए आता ना जाने। अरे रे रे काटे ना पूरे, क्या करना आज जैसा जाइए, चल आ तो गए थे यहाँ पर लेकिन पूरे काटे, यहाँ पर जा नहीं सकते इसलिए रिटर्न जाकर और फिर से वहाँ से जाएंगे। इतना पूरा घूम कर आने के बाद फाइनली इधर से जा रहे हैं नीचे हम लोग, और नीचे तहखाना है, मतलब काफ़ी अंधारा है अंदर, वो भी देखेंगे अंदर, पूरा अंदर तक जाकर देखेंगे जहाँ तक अलाउड है जाना। इधर ही मैंने देखा था, हाँ इधर से ये अंदर के जेल थे, ये अभी बंद कर दिया है। मैं आपको पीछे कैमरे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से राइट साइड में भी जाने के लिए जगह है और लेफ्ट साइड में भी जगह है, मतलब अंधेरा है बहुत, काफ़ी डार्क है अंदर, इसलिए दिख नहीं रहा होगा आपको। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, मतलब लाइन है यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर। पहले के ज़माने में लाइट वो कुछ नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो जो उनका जो भी होता होगा लैम्प मशाल वो इसके अंदर ही रखते होंगे। काफ़ी डार्क है भाई यहाँ पर, और एक जेल आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ ये काफ़ी अंदर दिख रही है आपको, दिखा टॉर्च मारेंगे अंदर, हम देखते हैं कुछ दिखता है या नहीं अंदर तक। बहुत सारे रूम्स हैं भाई, उसके अंदर भी और एक रूम है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से और एक अंदर रूम है, काफ़ी खुफिया जगह दिख रही है दिखने के लिए। और दरवाज़ा कितना छोटा है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे हाइट से, एकदम झुक कर जाना पड़ेगा। चल अरे भाई, और ये एक जेल, मतलब ये सबसे डेंजर वाली जेल होती होगी शायद से, ये देखो। और इसका दरवाजा तो भाई आप देख, मतलब बच्चे के लिए जाना उतना दरवाजा यार, ये छोटा सा मतलब क्या ही है भाई, दरवाजा एकदम छोटा है, मतलब आप समझ सकते हो कि वो जमाने में कितनी कठोर शिक्षा होती होगी। और उसके अंदर भी काफी बड़ी स्पेस है, मतलब ये दरवाजे के अंदर से आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, यहाँ से अंदर जाने के बाद भाई काफी बड़ी जगह है अंदर, क्या पता उस ज़माने में क्या होता होगा और किस तरह की सज़ा उन्हें दी जाती होगी। ये जो जेल थे, मतलब ये इधर के इतने पूरे जेल थे, और अब हम जाने वाले उधर, जो आपको एकदम छोटा छोटा दिख रहा होगा, हम उधर के जेल पर जाने वाले हैं, और वो उधर के आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ आ चुके हैं और हम देखते हैं सामने के पूरे जेल, मतलब कैसा क्या होता था, कितने बड़े कितने छोटे हैं, ये क्या है,
तो गाइस कौन जाने अंदर, ये पुराने, तो ये पुराने जमाने का कुआं, मतलब इसी में वो पानी स्टोर करते थे उनका। आपको दिख रहा होगा कि नहीं अंदर पानी, मतलब पूरा कचरा कूड़ा है अंदर यहाँ। उस जमाने में वो लोग यहाँ से पानी लेते होंगे। और नीचे जाने के लिए शायद से रास्ता भी है यहाँ पर, सीढ़ियाँ है कुछ। हाँ यहाँ पर सीढ़ियाँ है, यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो शायद से उसके अंदर, लेकिन अब दरवाज़ा बंद है वहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जेल आपको दिखा देता हूँ। मतलब जा तो नहीं सकते गाइस यहाँ पर, बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए। तो ये है उस ज़माने का जेल। यहाँ से और एक दरवाज़ा है शायद अंदर, ये बंद है इसलिए दिखा नहीं पा रहा। और ऐसे ही गाइस यहाँ से आप देख सकते हो पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे बस जेल ही है यहाँ पर। और हमें ये पुराने ज़माने का बाथरूम दिख गया है यहाँ पर। अरे रे रे रे, अरे यहाँ पर मतलब लाइन से दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बाथरूम है ये। और मतलब पहले पूरा खुला था यहाँ पर, कुछ बन नहीं था, प्राइवेसी गई। यहाँ से दिख रहा है अंदर सब कुछ। अरे यार ये क्या देख लिया भाई, मैंने तो सोचा था आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और हमारे पैर में मतलब शूज़ भी नहीं है भाई, बाहर ही उन्होंने शूज़ निकाल लिए। और हम जा भी नहीं सकते, कांटे बहुत चुभेंगे पैर में बहुत। एकदम छोटी सी मतलब पत्थर का रास्ता है, उस पर से चल कर जाना होगा। जहाँ तक जा सकता हूँ आप तक जाकर आपको दिखाऊंगा। ये देखने के बाद भाई मतलब एक जेल है, उसके अंदर मेरा नाम लिखा है यहाँ पर आप देख। अरे देवा, ये देख सकते हो SHIL भाई। ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे पूर्वज उर्वज कुछ थे क्या यहाँ पर बंद। गाइस इन सब जेल की एक चीज मैंने नोटिस किया, मतलब ये सब जेल अटैच है शायद से, मतलब यहाँ से जाना, इस जेल से जाने के लिए उस जेल तक बीच में से एक रास्ता है। अगर दिखता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जो यहाँ पर देख रहे हो रोशनी, ये जो रास्ता है वो उस जेल, मतलब वो जो सामने जेल है उसको कनेक्ट है। और यहाँ से सामने जाने के बाद वही रास्ता इस वाले जेल को भी कनेक्ट होता है यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद सामने वाले जेल को, ऐसे मतलब ये पूरी इंटरलिंक्ड है एक साथ एक। बस भाई मतलब इसी का ब्लॉग मुझे लगता है 6-7-8 मिनट का तो बन चुका होगा। और ये होगा पार्ट वन, और पार्ट टू आएगा गोल गुंबज का। अब हम वही जाने वाले हैं, तो ये पार्ट वन होगा और इसके बाद पार्ट टू आएगा गोल गुंबज का, उसी के 2-3 दिन बाद, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं शूट भी मोबाइल से ही करता हूँ और एडिटिंग भी मोबाइल से ही करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और पार्ट टू के लिए बस 2-3 दिन का वेट कर लेना।